नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि फ्लाई हाई में। दोस्तों, इस वक्त कोरोना वायरस महामारी के संकट की घड़ी में जहां देखो हमें दर्दनाक तस्वीरें देखने को मिलती है। ऐसी दयनीय तस्वीरें देखने को मिलती है जिन्हें हम देख नहीं पाते, जो बहुत ही असहनीय है। तो दोस्तों, इसी मुद्दे पर आज मैं आपके सामने एक रिपोर्ट पेश कर रही हूँ। देखिए, दर्द जब छलका तो आंसू बह गए, आंसू जब बहे तो कैमरे में कैद हो गए। जज्बातों से भरी कई तस्वीर बयां करे इन मजदूरों की तकदीर। यह है उस आत्मनिर्भर मेहनतकश की तस्वीर जिसने गर्भवती पत्नी के लिए हाथ से लकड़ी की ये गाड़ी बनाई और अपने हाथों से खींचते हुए मीलों की दूरी को भारत के इतिहास में आत्मनिर्भरता की परिभाषा के तौर पर दर्ज कर दिया है। मजदूरों की बेबसी की ऐसी तस्वीरें जो आपको रुला देंगी। खाना नहीं, पानी नहीं, पैसे नहीं, बैंक अकाउंट नहीं, और वे ठेले, साइकिल, ऑटो, भेड़ बकरियों की तरह बसों ट्रकों में लदे फदे दूर गांव घर जाने के लिए चल रहे हैं। जिस बच्ची के दांत भी नहीं निकले हैं, उसकी माँ उन्हें ब्रेड खिलाने को मजबूर है। जिंदगी की आस लिए वे चल रहे हैं। सड़क पर गर्भवती महिला बच्चा जन्म दे रही है। खाना पीना भाग्यधारित है। कई ऐसे दृश्य हैं जिसे देखा नहीं जा रहा। क्या करें, कहां जाएं? दोस्तों, ये है वो दर्दनाक रिपोर्ट जो आपने अभी देखी। ऐसी दर्दनाक तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर कई बार देख चुके होंगे। आज मैं अपने रिपोर्ट के माध्यम से वापस से इन तस्वीरों को आपसे रूबरू करवा रही हूँ, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। क्या इनके दर्द में आपको अपना दर्द नजर नहीं आता? अगर आता है तो इनकी मदद के लिए आगे आइए और वो करिए जो हमें सही मायने में करना है। हमें इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है। हमें सरकार से गुजारिश करनी है कि इनके लिए जो आर्थिक पैकेज है कोशिश करें, क्योंकि इनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। आप इनको सिर्फ दो रोटी खाना दे दोगे, इनसे इनका गुजर बसर नहीं होगा। इनके लिए क्या सही है वो इनके लिए इंतजाम करें। जय हिंद।